Hey guys, welcome to my blog. तो आज बड़े दिन के बाद आज ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि इतना दिन में फ्री नहीं था, बहुत बिजी था। आप जानते हो कितना काम होता है, ड्यूटी होता है। तो आज मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि आज मैं कुक हाउस में हूँ। तो काम करेंगे कुक हाउस में और आपको दिखाएंगे कि कुक हाउस में क्या होता है। और आज ठंड भी है, बहुत ठंड है यहाँ पर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे काम शुरू करते हैं। पर उससे पहले चाय पीते हैं गरम गरम। तो अभी चाय पीने के बाद आज का काम शुरू होगा। नहीं आया है अभी तक, तो कुक का वेट कर रहे हैं। सब काट लिया है, सब रेडी हो गया है, बस उसका वेट कर रहा हूँ। तो अब काम शुरू होने वाला है। आज का काम है, तो आप सब देख सकते हैं कि काम शुरू हो गया है। और ये पापड़ फ्राई कर रहा है, क्योंकि तेल गर्म है इसलिए पापड़ को पहले फ्राई कर दिया। और चावल के लिए पानी भी गर्म हो रहा है, तो जब तक पानी गर्म होगा तब तक चावल भिगा कर धो के रेडी किया हुआ है। सबर करो, तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और इधर मेरा दोस्त रोटी बना रहा है, अकेले ही पूरा रोटी बना रहा है। कितना गोल गोल रोटी बना रहा है, देखिए कितना गोल गोल है, अच्छा काम करता है। कौन है, कहां से आते हैं? तो इधर सांभर बनाना भी शुरू कर दिया है और चावल भी गर्म पानी में डाल दिया है, तो चावल भी पक जाएगा और धीरे धीरे इधर सांभर भी बनेगा। तो अभी सब्जी भी डाल दिया है ऊपर से और मसाला भी डाल के रख दिया है। तो रोटी पकाने के लिए सब कुछ रेडी कर चुका है, तो अभी हम रोटी बनाएंगे। तो चावल पक चुका है इसलिए पानी पूरा निकल रहा है। तो अभी अभी गैस खत्म हो गया एक। तो दूसरा नया था इसलिए नया गैस को कनेक्ट किया। अभी मजा आएगा ना। तो यहाँ पर ये खाली हो गया है, ये नया आया था तो इसको कनेक्ट कर दिया। और ये जो देख रहे हैं आप, ये बर्तन, इसमें गर्म पानी डाला जाता है, क्योंकि ये पाइपलाइन बहुत लंबा है इसलिए ये फ्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर गर्म पानी डाल के रखते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? सुबह थोड़े से परेशान होता है ना आने में, टाइम मम्मी को मिले ना। Thank you.
तो चावल हो गया है रेडी गर्मा गर्म एकदम। तो दाल हो गया है पक्के रेडी। थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसे डालेंगे सांभर में। उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे इमली जो मेरा दोस्त मिक्स कर रहा है पानी। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अभी दाल को भी डाल देंगे सांभर में। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी तक तो पूरा सांभर रेडी हो गया है। सब्जी भी डाल दिया, ऊपर से दाल भी डाल दिया, मसाला भी डाल दिया। अब लास्ट एक ही चीज डालना बाकी है, वो है इमली। और ऊपर से हम इमली का रस डाल देंगे जिससे हमारा सांभर का इंग्रेडिएंट पूरा होगा और सांभर का टेस्ट एकदम अच्छा बनेगा। तो सांभर हो गया है रेडी। काम हो गया एकदम। अभी बस साफ सफाई करना है। सब पका चुके हैं, कुक भी जा चुका है, तो अभी हम साफ करेंगे। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. I can't help myself. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from there. Trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. You're not the one, no, no, no. I'm moving.
for me now. It's been harder for me now. It's been harder for me now. But I'll get through it somehow. 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 You're not the one. No, no. You're not the one. No, no, no. I'm moving on. तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज आपको कैसा लगा व्लॉग, वीडियो कैसा लगा, हमारा काम कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे आपका सब्सक्राइब और लाइक भी उसका बहुत ज़रूरत है। फिर आज के लिए इतना ही, काम हो जाए ख़त्म। बाय बाय, लाइफ ऑफ ब्लॉग का।